निसर्गदत्ता महाराज की अल्टीमेट टीचिंग। एक्चुअल में निसर्गदत्ता महाराज क्या बता रहे, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, सुनना जरा ध्यान से। आपका जो मैं है, आपका जो आई एम है, एक्चुअल आई एम है, वो कौन सा आई एम की बात कर रहे हैं निसर्गदत्ता महाराज? आई एम दैट आई एम, कौन सा वाला आई एम? आपका नॉन वर्बल आई एम, मतलब आपका वो आई एम, आपका आपकी वो आई एम नेस जो विदाउट थॉट, नो परसेप्शन, नो इंटेंशन का है। मतलब जो आपकी जो आई एम नेस है, जो आपका जो मेरा तत्व है जिससे आपके होने का एहसास हो रहा है, वो उसमें कोई शब्द नहीं होने चाहिए, उसमें कोई वर्डिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। नो, आपके अंदर वो इंसाइट रहेगी। एक तो आपका आई है जिसमें आप वर्बली जता रहे हो, कह रहे हो, बोल रहे हो, जो आपका कंडीशन है, बना हुआ है इन्वायरमेंट के थ्रू। एक आपका आई है जो नॉन वर्बल आई है, दैट आई एम। और ये आई एम भी कहां से आ रहा है? ये जो आपका नॉन वर्बल आई है, ये जो आपका नॉन वर्बल आई एम है, जिसको आप शब्द में बयान नहीं कर सकते, जो आपका एक्चुअल गॉड है, जो आपका एक्चुअल सेल्फ है, ये भी कंप्लीट जो कॉन्शियसनेस है, कंप्लीट जो कॉन्शियसनेस है, वो इसका निर्माण कर रही है, इस आई एम का। और इस आई एम की वजह से ही आपका मिराज क्रिएट हो रहा है, यानी आपका वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, आपका संसार क्रिएट हो रहा है। तो जब आप इस आई एम का जो सोर्स है कॉन्शियसनेस, उसको भी पूरी तरह से देख लेते हो, और ये कॉन्शियसनेस भी कहां से मैनिफेस्ट हुई है, ये भी अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्ट हुई है, यानी कि नथिंगनेस से। और इस नथिंगनेस से भी जब आप ऊपर चले जाते हो, यहां पर अनडिफ्रेंशिएट कॉन्शियसनेस बचती है, जहां पर बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। That is the I am that। उस चीज की निसर्गदत्ता महाराज बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या चीज है ये? कि मतलब आपकी पूरी साइकोलॉजी, आपका पूरा बॉडी का जो मैं है, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मैं, साइकोलॉजिकल मैं, और इसकी वजह से भी ये भी चीजें जो कहां से आ रही हैं, वो भी दी एंड हो गया, खत्म हो गया। वो जो स्टेट है, दैट इज द अल्टीमेट स्टेट। और ये स्टेट आप कह नहीं रहे हो, बट आप बस इस स्टेट में हो बस। एंड मतलब निसर्गदत्ता महाराज यहां तक पहुंच गए थे निसर्गदत्ता महाराज, बिल्कुल कंसेप्टलेस स्टेट। और इसी अनमैनिफेस्टेड से चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। इस अनमैनिफेस्टेड से आपको कॉन्शियसनेस प्रकट हो रही है, कॉन्शियसनेस से फिर नॉन वर्बल आई एम क्रिएट हो रहा है, उस नॉन वर्बल आई एम से फिर आपका जो कंडीशनड आई एम है वो क्रिएट हो रहा है। और वो जो अनमैनिफेस्टेड है ना, वो है एक्चुअल दैट, जिसको निसर्गदत्ता महाराज ने कहा आई एम दैट। और वो कोई बनावट नहीं है, वहां पर कुछ नहीं पहुंच सकता, कुछ नहीं, कंप्लीट जीरोनेस, कंप्लीट एम्प्टीनेस, बियॉन्ड इवन एम्प्टीनेस एंड नथिंगनेस। वहां कोई आप उस स्टेट को, एक व्यक्ति तभी उस स्टेट में रह सकता है जब वो पूरी तरह से अपने आप को मिटा दे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। और वो गॉड से भी ऊपर है, वो भगवान से भी ऊपर है, परमात्मा से भी ऊपर है। सोचो,
कि निसर्गदत्त महाराज इस चीज को आपके लिए लेकर आए हैं। कोई थ्योरी, रिचुअल, कंसेप्ट्स, बुक्स, ठीक है, आप कोर्स हो गए, कुछ नहीं, ये कहानियां अब बच्चों के लिए है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अब बच्चे नहीं रहे, आपका लेवल बढ़ चुका है, आप अब ध्यान से भी ऊपर उठ गए हो, क्योंकि उस जिस स्टेट की निसर्गदत्त महाराज बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक मेडिटेशन है, ध्यान है, वो स्टेट ही ध्यान है, आपको ध्यान की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, अब बिल्कुल ही बियॉन्ड हो गए। इसीलिए ये अल्टीमेटम पॉइंटर्स हम कह सकते हैं निसर्गदत्त महाराज के, कि बियॉन्ड नथिंगनेस एक व्यक्ति यहां तक है, सोचो उसमें कितनी एनर्जी होगी, वो सब कुछ अपने अंदर होते हुए देख रहा होगा, और वो सब कुछ, सारी चीज जो वो देख रहा है, मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड, और कॉन्शियसनेस, आई एम नेस, आई एम दैट, एवरीथिंग इज इंक्लूड इन दैट। दैट वॉज द स्टेट ऑफ निसर्गदत्त महाराज। उस स्टेट में होके निसर्गदत्त महाराज बोलते थे, बात करते थे, इसलिए आप देखते हो क्या एनर्जी निकलती थी निसर्गदत्त महाराज से जब वो बोलते थे, बात करते थे। फॉरनर्स तो खिंचे चले आते थे उनके पास। और इस चीज को बिल्कुल आप साइलेंस में ही महसूस कर सकते हैं, कंप्लीट साइलेंस। आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको डेली एक सत्संग, डेली एक मेडिटेशन की वीडियो देता हूं, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो, और ये वीडियो जो है वो लाइफ टाइम तक आपके साथ चलती ही रहेगी, लाइफ टाइम तक। डेली मेडिटेशन करते रहो, ध्यान करते रहो, सत्संग में रहो, और उससे पहले मैं आपका कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा, कोई आपको बेसिक आपको 12 वीडियोस दूंगा मैं, ट्रूथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, एक्सेट्रा। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर करें, वन टाइम पेमेंट है सिर्फ, एक बार ही पेमेंट करना है, 1000 रुपीज बस, एक बार ही पेमेंट, लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है। फिर डेली आप मेडिटेशन करते रहेंगे, आपको एक रूटीन डेवलप हो जाएगा मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का, फिर आप शांति से नॉन वर्बली अपने आप को जान पाएंगे। तो ये प्रोग्राम सभी लोगों के लिए है, और हर किसी को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा ये प्रोग्राम, अफोर्ड, हर कोई अफोर्ड कर सकता है 1000 रुपीज, वो भी हमेशा के लिए, परमानेंटली, एक ही बार पे करने हैं बस, खाली, कोई इस चीज का वो नहीं है कि भाई हर महीने पे करने, वन टाइम पेमेंट खाली। और डेली हम फिर ध्यान करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे। तो जाइए इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए इस व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।